हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अपना और अपने परिवार का ख्याल बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों से जिनको बहुत ज़्यादा झुर्रियों की लूज स्किन की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत रीजंस की वजह से हो सकती है। पहला, अभी अभी आपको बेबी डिलीवर हुआ है, आपके स्ट्रेच मार्क्स लूज स्किन आ गई है। सेकेंड, आपने अभी अभी वेट रिड्यूस किया है जिसकी वजह से आपको लूज स्किन डेवलप हो गई है, स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं अगेन। तीसरा, आपका हो सकता है आपकी एज 40, आप 40 क्रॉस कर चुके हैं और इसकी वजह से आपकी जो लूज स्किन है वो आ रही है। ये जो 40 एज आप क्रॉस कर रहे हैं, ये इसकी वजह से क्योंकि आपकी जो स्किन के अंदर कोलाजन है वो अब बनना बंद हो गया है, उसको बनने का जो प्रोसेस है वो अब स्लो डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से आपको रिंकल्स और लूज स्किन का प्रॉब्लम है। बट घबराइए नहीं, आप ही के किचन से कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मैं आज इस वीडियो में एक सीरम बनाने वाली हूँ, जिसे अगर आप डेली अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस सीरम को बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ उबले हुए चावल का पानी। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी होता है, जो कि हमारे न्यू सेल्स प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हमारे नए सेल्स बनेंगे तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो यंग लगेगी, ग्लोइंग लगेगी, जवान लगेगी। प्लस इसके साथ ही इसके अंदर स्टार्च होता है जो आपकी स्किन को टाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और मैं इसके साथ इस सीरम को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ खीरे का और आलू का जूस। अगेन, ये इसके अंदर क्योंकि स्टार्च होता है, आपके स्किन को, स्किन के पोर्स को ये बहुत टाइट करता है और आपके जो स्किन की डेड सेल्स हैं उनको ये ख़त्म करता है और आपकी स्किन के अंदर ग्लो लेके आता है। इसके अलावा मैं नींबू का रस इसमें यूज़ करूँगी, जो कि अगर आपके फेस पे दाने हैं, फाइन लाइंस डेवलप हो गई हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उन सब की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। आप नींबू का रस ज़रूर इसमें डालें, ये बहुत हेल्पफुल है। तो मैं आपको बताऊंगी जल्दी से इस सिरप को हमें कैसे बनाना है, तो प्लीज़ टेक अ लुक ऑन इट। सिरप को बनाने के लिए हमें उबले हुए चावल का पानी, आलू का जूस और खीरे का जूस और एक नींबू इस्तेमाल करेंगे। ये सब हम एक ही क्वांटिटी में रखेंगे और अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक जार में, जो कि ग्लास का हो सकता है या स्प्रे बॉटल हो सकती है, उसमें इसको डाल देंगे। तो ये लीजिए, आपका सीरम बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें सिर्फ रेफ्रिजरेट करना है, बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है। और इसे इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका है, सबसे सही टाइम है सोने से पहले। 10 मिनट पहले जब आप सोने जा रहे हो, आप अपने फेस को क्लीन कीजिए और इसको एक कॉटन की हेल्प से पूरे फेस पर और स्किन पर लगाइए। और इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है, डेली इसको लगाना है, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय लेडीज़।